नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस जर्नी में। आजकल सोशल मीडिया में एक पोस्ट धड़ाधड़ वायरल की जा रही है। कहा जा रहा है कि समुद्र के नीचे कृष्ण की नगरी द्वारिका मिल गई है। और ये खबर सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, फेसबुक पोस्ट पे नहीं, ट्विटर पे नहीं, बल्कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके भी सोशल अकाउंट्स पे इस तरह की खबरें धड़ाधड़ प्रचारित की जा रही हैं। ऐसे में तो फैक्ट चेकिंग बनती है, क्योंकि हमारे जो रेशनल लोग हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सच जानना होता है। ऐसे लोगों के लिए, और सिर्फ ऐसे ही लोगों नहीं, समस्त भारतीयों के लिए, समस्त मानवों के लिए साइंस जर्नी हमेशा ही फैक्ट चेकिंग वीडियो लाते रहा है। और आज भी पेश है कृष्ण की नगरी द्वारिका के नाम पर जितने भी फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, उसकी फैक्ट चेकिंग वीडियो पार्ट 1। इस वीडियो में हम सबसे जो दो महत्वपूर्ण फेक न्यूज है उनका पर्दाफाश करेंगे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे, जो पहली बार दावा किया गया था कि गुजरात के समुद्र के किनारे भीतर जाकर जो फोटो खींचकर लाई गई थी और उसे ट्विटर के माध्यम से शेयर किया गया था, उनमें कितनी सच्चाई है। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो यूनेस्को के बारे में ये प्रचारित किया जा रहा है कि उसने भी इसका समर्थन किया है, उसने भी कहा है कि हाँ, समुद्र के नीचे द्वारिका कृष्ण की नगरी मिल गई है, इसकी भी हम फैक्ट चेकिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा, ताकि तनिक भी आपके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड शंका ना बच जाए। इस फैक्ट चेकिंग के दौरान मैंने सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की किसने आखिर यह पोस्ट जारी की थी, और फाइनली मुझे मिल ही गया। ये जिक्सा नाम से एक ट्विटर पर पोस्ट की गई थी और उस ट्विटर पर लिखा था, श्री कृष्णाज द्वारका द सुकेन सिटी इन गुजरात एज डिस्क्राइब्ड इन द महाभारता। और आगे लिखा था, इट इज रियल एट द क्रिश्चियन वर्ल्ड सेज देयर इज नो प्रूफ। और इस स्टेटमेंट के साथ ही ये चारों फोटो अटैच्ड थी। अब अगर आपको ये जांच करनी हो कि ये जो फोटो आपके सामने शेयर की जाती है, इसमें कितनी सच्चाई होती है, तो इसके लिए गूगल ने बहुत सारी फैसिलिटीज आपको दे रखी है। आप गूगल पे सिंपली रिवर्स इमेज टाइप कीजिए, आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ पेड होंगे, कुछ अनपेड होंगे। आप चाहें तो अनपेड किसी सर्च इंजन पर जाएं और फिर वहां पे इस फोटो की यूआरएल भी आप डाल सकते हैं, इस फोटो को भी वहां अपलोड कर सकते हैं, या फिर इससे ही रिलेटेड कीवर्ड आप वहां पे टाइप करें, आपको ढेरों सारे ऑप्शन मिल जाएंगे और वहां से आप सच का पता लगा लेंगे। यही काम मैंने भी किया। जो ये पहली पिक है जिसमें ये लायन दिख रहा है, इसका मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया, लायन स्ट्रक्चर इन वाटर, और फिर मुझे ढेर सारे ऑप्शन मिलने लगे। वहाँ पे मैंने पाया हकाई मैगजीन है, उसने एक आर्टिकल जारी किया था, सबमरीन द थिंग्स वी सिंक। इस टॉपिक के अंदर उसने ये फोटो लगा रखी थी और बता रखा था कि ये फ्लोरिडा में अंडर वाटर नेपच्यून मेमोरियल रीफ की फोटो है। अब फ्लोरिडा यूएसए में है, और चूंकि ये मैगजीन ऑथेंटिक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये फोटो उसी मैगजीन से उठाकर यहाँ पे पोस्ट की गई होगी, या फिर उस मैगजीन से किसी और ने उठाई होगी और वहां से उठाकर यहाँ पर चेप ली गई होगी। और फिर मैंने सोचा कि ये बाकी की जो तीन फोटो है, हो सकता है इसमें कोई द्वारिका की नगरी का फोटो निकल आए। सो मैंने अगेन जो दूसरी ये फोटो है उसको मैंने अपलोड कर दिया रिवर्स इमेज सर्च में, और वहां पे मैंने पाया कि इसे बताया जा रहा है कि ये महाबलीपुरम की स्नैप है। और फिर मैंने रिवर्स इमेज पे महाबलीपुरम को सर्च किया। वहाँ पे एक टूरिज्म की एक वेबसाइट थी गो यूनेस्को, उस पे इसने बता रखा था कि 2004 में जो सुनामी आई थी वहाँ पे, तो वहाँ का ये स्नैप है। अब जरा सोचिए, ये सेकेंड पिक भी फेक न्यूज निकल गया। मतलब कहाँ ये साउथ का सुनामी के दौरान 2004 की स्नैप है, और कहाँ इसे गुजरात का बताया जा रहा है कि समुद्र के अंदर द्वारिका में मिला है। अब बचा थर्ड पीक। मैंने सोचा कि चलो कहीं इसमें कुछ सच्चाई हो, तो मैंने इसका भी लिंक उठाकर रिवर्स सर्च किया और ये पाया कि ये पीक भी जो फ्लोरिडा में अंडर वाटर नेपच्यून मेमोरियल रीफ है, उसी की फोटो है ये भी। यानी कि अब तक ये जो चार फोटो हमें दी गई थी, उसमें से तीन तो फेक न्यूज निकल गई, बचा अब चौथा। सो मैंने इस फोर्थ को भी सर्च कर लिया और रिवर्स सर्च में मैंने ये पाया कि ये भी एक एनिमेशन तैयार की गई थी लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के नाम पर। जो प्लेटो की कल्पना थी कि ये एक ऐसा जगह होगा, तो उसकी एक इमेजिनेशन तैयार की गई थी। वास्तव में ऐसा कोई रियल पिक भी नहीं था।
यानी कि ये जो ट्विटर हैंडल पे या फेसबुक पे धड़ाधड़ जो फोटो दिखाई जा रही है, ये चारों की चारों फेक न्यूज निकल गई। अब आते हैं दूसरी खबर पे, जहाँ पे ये प्रचारित किया गया है कि यूनेस्को ने भी कृष्ण की नगरी द्वारिका जो समुद्र के अंदर डूब गई थी उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले मैंने यूनेस्को का पेज ओपन कर लिया, unesco.org, और वहाँ पे मैंने ये पेज फाइंड आउट कर लिया। आप भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको सर्च करना होगा अंडर वाटर द्वारिका या कृष्ण की नगरी द्वारिका। अब पूरी ये जो पेज खुलकर सामने आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें चार पैराग्राफ हैं। जब भी कोई आर्टिकल लिखी जाती है तो उसमें जो उससे जुड़ी हुई मिथ होती है उसके बारे में भी बताया जाता है, फिर उस पर जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट काम करता है क्या काम हुआ उसके बारे में भी बताया जाता है, और फिर एविडेंस की बात होती है, एंड देन फाइनल कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे भी यही चीज हुई है। आप ये जो फर्स्ट पैरा देख रहे हैं, इसमें मिथ की बातें की जा रही हैं। जो धार्मिक लोग होते हैं, जो अंधभक्त होते हैं, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे लोग इसी मिथ वाली बात को उठाकर प्रचारित कर देते हैं, और यहाँ भी इन लोगों ने यही किया है। बेसिकली इन्होंने बाद के जो एविडेंस पोर्शन है, जो आर्कियोलॉजिकल पोर्शन है और जो कंक्लूजन पोर्शन है, इसके बारे में इन्होंने बात ही नहीं की है। लेकिन मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि यूनेस्को की पेज क्या कह रही है। अब आप इसका पैरा टू देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि 1963 से आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन वहां से होते हैं, हालांकि 1930 से वहां पे सर्च होनी शुरू हो गई थी। तो यहां पे गौर कीजिए, ये ब्रिटिश टाइम का पीरियड है, न कि आज से बहुत साल पहले से लोग जानते थे। ये तो ब्रिटिश जब हमारी ग्रंथों को पढ़ते थे, जो जातक कथाएं पढ़ते थे, जैसे घत जातक कथा में द्वारिका का नाम आया है, तो बुद्धिस्ट ग्रंथों को वो लोग बहुत ज्यादा प्रमाणिक मानते थे। तो उसके आधार पर इन लोगों ने एक सिगुफा छोड़ा और फिर इन लोगों ने महाभारत में द्वारिका द्वारिका करके उस जगह को कैप्चर करने की कोशिश कर ली, और फिर इसी का नतीजा ये हुआ कि ये लोग एक्सकवेशन स्टार्ट कर दिए। कब से? 1963 से। लेकिन जो नेक्स्ट पैरा है, थर्ड पैरा, वो इन सारे दावों की पोल खोल देता है। ये बताता है कि 1983 और 1990 के बीच जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक मजबूत नींव की खोज की थी। चूंकि ये समुद्र का बॉर्डर इलाका है, तो वहाँ पे पिलर्स पाए गए, वहाँ पे निर्माण सामग्री के अवशेष मिले हैं, और जो बॉर्डर पे पानी को रोकने के लिए जो बांध वगैरह बनाए जाते हैं उनकी दीवारें पाई गई, उनके स्टोन ब्लॉक्स पाए गए। अब इसके आगे का पॉइंट और मजेदार है। इसमें लिखा है कि इनके अवशेषों के डेटिंग के बारे में अभी भी एक बहस चल रही है। कोई बता रहा है कि ये 3000 BC यानी 5000 साल पुराना है, कोई बता रहा है कि ये मात्र 3500 साल पुराना है, और कुछ लोग बता रहे हैं मध्ययुगीन, यानी कि आज से 500 ईयर्स के तकरीबन में। यानी कि यहाँ पे अभी सियोरिटी नहीं बन पाई है, ये है असली पॉइंट। जो धार्मिक लोग हैं वो खुद दावा कर रहे हैं कि 5000 साल पुराने, जबकि यहाँ पे ये भी बहस चल रही है कि ये 500 साल भी पुराने हो सकते हैं अवशेष। ये है एक्चुअल पॉइंट जिसको आपसे नहीं बताया जा रहा है। अब इसका आगे का जो पैरा है वो तो और भी मजेदार है। ये तो साफ साफ लिख रहा है कि जो भी एविडेंस मिले हैं मध्ययुगीन, यानी कि जो 15th सेंचुरी के आसपास, आप आगे पीछे भी इसको ले सकते हैं, 15th सेंचुरी में यह जगह अरबी क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों में यह स्थान रहा होगा। 18th सेंचुरी तक और उससे पहले यह बंदरगाह रहा होगा। चूंकि द्वारिका का मतलब गेट होता है, तो यह विदेशी नाविकों के लिए द्वार हो सकता है। यानी यूनेस्को की जो लास्ट आर्टिकल है उसने तो सारा का सारा पोल खोल दिया, सारे दावों को एक झटके में निरस्त कर दिया। तो दोस्तों, ये था एक्चुअलिटी, ये थी सच्चाई जिस कृष्ण की नगरी द्वारिका को बताया जा रहा है कि समुद्र में मिला है, उसके बारे में यूनेस्को ने साफ साफ लिख दिया है ये 15th सेंचुरी के करीब में, 18th सेंचुरी के करीब में इनके बीच में बंदरगाह भी यहाँ पे हुआ करते थे, और इसीलिए हो सकता है कि वहाँ पे पिलर्स वगैरह और बाउंड्री वगैरह बनाई गई हो जो टूट के नीचे गिर गए हैं। इसने कभी नहीं कहा कि ये महाभारत का है या कृष्ण की नगरी है। तो दोस्तों, इसका अभी सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ और बातें हैं जो पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने पेश की जाएगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि ये जो द्वारिका शब्द है या इसका जो अध्यात्म का जो पोर्शन है वो कहां से कॉपी किया गया है, कहां से लाया गया है, और इसके साथ ही जो रिसर्च के या कुछ और जो दावे किए गए हैं उनके बारे में भी पूरे डिटेल्ड में सेकेंड पार्ट में आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जुड़े रहें इस चैनल के साथ,
और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये जो कृष्ण की द्वारिका के नाम पर ये जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है इसकी सच्चाई पता चल सके। और दोस्तों, अगर आप साइंस जर्नी की डिबेट देखना चाहते हैं तो साइंस जर्नी का डिबेट चैनल रेशनल वर्ल्ड है, इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहाँ पे थर्सडे, संडे और मंडे को 7 PM पे डिबेट होती है, उसे आप देखना ना भूलें। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।